जो सारे इंसिडेंट्स में थे आपसे पूछना चाहेंगे, कितना मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट के लिए, इस तरह से जब यू नो आपने जब फिल्म सिटी वाली बात बताई थी पढ़ा था, कैसा होता है वो दौर, कैसा होता है फिर अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ना, कैसा? सी हर रोज हम एक नई चीज कहते एक्सपीरियंस करते हैं, और वो जो आपने अभी जिक्र किया लॉन्ग टाइम बैक फिल्म सिटी वाला जो जिक्र हुआ था, आई थिंक उड़ान था वो, उड़ान का शो था जब मुझे वापस भेज दिया गया था. सो इट वाज अ वेरी वेरी हार्ड हिटिंग फॉर मी. आई मीन आई वुड से दैट कि ठीक है, मैंने बहुत लाइफ में मतलब बहुत सारी जगहों से नकारा जा चुका था, तब जाके मुझे पहला शो मिला, तो बहुत बार हार का महसूस किया मैंने, तो मुझे वो इतना महसूस हुआ नहीं, हुआ था बट इतना नहीं. बट ये है कि हाँ, क्योंकि एक्टर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं और ओवर सेंसिटिव होते हैं, आई वुड से दैट. तो लेकिन अगर कोई नया इंसान, अगर कहते ना कि उसको जॉब से पहले दिन से फायर कर दिया जाए, तो कैसा फील होगा? कि जहाँ पे घर के लोग बड़े खुश होते हैं कि एक आपका आइस बॉक्स पैक कर रहे हैं, एक आपका ये कर रहा है, एक वो कर रहा है, और जो मेरा केयर टेकर है, माई ड्राइवर जो 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 मेरा ध्यान रखता है, वो बड़ा खुश था कि चलो यू नो. तो वो उदासी सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे हम तो फिर समझ जाएंगे, लेकिन जो हमारे साथ लोग जुड़े होते हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को डाइजेस्ट करना. तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैन आई थिंक वो सीख थी और हमको आगे बढ़ता रहना चाहिए. वी शुड कीप मूविंग. हम बहुत सारा दौर, मैंने ही नहीं, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने पिछले दो साल से देख लिया है, पैंडमिक, क्वारंटीन, यू नो, लॉकडाउन, एंड पीपल हैव लॉस्ट देयर बिजनेसेस, पीपल हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, पीपल हैव लॉस्ट सो मेनी थिंग्स, यू नो, व्हिच वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट आई बिलीव दैट यू नो, इफ वी हैव टू सस्टेन, हमको सस्टेन करना बहुत जरूरी है अगर हमको लाइफ में अपना जो टारगेट है, जो ड्रीम है, उसे पूरा करना है. तो जस्ट कीप मूविंग, बी देयर इन द मार्केट, कीप मूविंग, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू. उन यंग लोगों के जो अभी इंडस्ट्री में है, उनके साथ अगर ऐसा होता है, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? भाई अपना दिल मत छोड़ो, दिल मत, अपना कहते ना वो, उदास मत हो, मायूसी मत लेकर आओ, ये तो होता ही रहेगा, क्योंकि जितनी बार आप हारेंगे उतनी बार आप जीत के नज़दीक जाएंगे, क्योंकि और जब हार हार के जीत के पास जाएंगे तो जीत बड़ी स्ट्रांग होती है, इट्स लाइक वाओ. सो इफ़ यू वांट दैट, सो जस्ट हार को फेस करना सीखो और आगे बढ़ते रहो, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, एंड आई एम टेलिंग यू द डे विल कम, यू विल सी ऑल द ब्राइटनेस अराउंड यू एंड यू विल फील सो हैप्पी. क्या होता है कि मैं सच बोल दूंगा तो मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, और मैं चाहता हूँ मैं यू नो तो ये रहूँ, क्योंकि क्या होता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सपोर्ट आप ही हैं, आपके लिए, आपके अलावा और कोई नहीं है. मैं शीशे में जब खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ तो मुझे सिर्फ मैं खुद दिखता हूँ जो मेरे साथ मेरी सपोर्ट बनकर खड़ा है, और कोई नहीं है. क्योंकि अगर हम जिस दिन हम उम्मीद लगा के बैठते हैं ना कि कोई हमें सपोर्ट देगा या कोई सहारा जब बन जाता है हमारी ज़िंदगी में, तो हम ज़िंदगी में एक्चुअली बता रहा हूँ ना, सब कुछ ऐसा खट, फिर हम एक अनदर ओजोन में चले जाते हैं. तो नेवर होप, होप तो पहली बात जहर है. व्हेन वी से ना आई होप ये हो जाए, आई होप वो हो जाए, होप इज, इट्स गुड टू हैव अ होप, बट इट्स वेरी बैड टू ऑलवेज होप, बिकॉज होप एक्चुअली इट्स पॉइजन. सो नेवर होप, जस्ट कीप मूविंग, जस्ट कीप मूविंग, एंड आई थिंक यू आर द ओनली सपोर्ट, यू आर द ओनली हेल्प, यू आर द ओनली वन. अगर आप रोगे भी ना तो आपका खुद का कंधा ही होगा आपके साथ, किसी और का नहीं होगा भाई. तो जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड.